नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 29 जुलाई के इस मानसून सत्र में तमाम मुद्दे विधानसभा के अंदर उठाए जाएंगे और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं इस समय उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर पहले थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव करहल से विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष थे और अब बन गए हैं कन्नौज से सांसद। अब वो दिल्ली का रास्ता तय कर चुके हैं तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली हो चुकी है। सभी की निगाहें टिकी हैं समाजवादी पार्टी किसको बनाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नेता प्रतिपक्ष क्या होता है। नेता प्रतिपक्ष का मतलब विपक्ष का नेता, जो सदन में बोलता है। सदन में विधायक अपने विपक्षी विधायकों का, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है विपक्ष में, उसी का नेतृत्व करता है। उसके अलावा एक कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे उत्तर प्रदेश में अन्य कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर वेतन होगा, भत्ता होगा, सुविधाएं होंगी, सुरक्षा होगा, यानी कि पूरी तरह से सब कुछ, सुविधाएं, वेतन, भत्ता सब कुछ मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी किसको बना सकती है। नाम आ रहा है दलित नेता के तौर पर इंद्रजीत सरोज का। इंद्रजीत सरोज कौसाम्बी की मंझनपुर विधानसभा से विधायक हैं, लगातार कई बार चुनाव जीते हैं, बहुजन समाज पार्टी से आए हुए प्रोडक्ट हैं और आए हुए नेता हैं, प्रोडक्ट कहना सही नहीं रहेगा, आए हुए नेता हैं। और उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने कौसाम्बी लोकसभा से टिकट दिया था और उनके बेटे सबसे युवा सांसद भारत की संसद में हैं, इंडिया की संसद में सबसे युवा सांसद हैं 25 साल के पुष्पेंद्र सरोज। तो हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है इनको ना बनाएं, लेकिन दलित वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो इनके ऊपर समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है। अगला नाम चल रहा है सबसे ज़्यादा राम अचल राजभर का। राम अचल राजभर कौन है? अगर हम राम अचल राजभर के बारे में बात करें तो जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो सभी बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा का टिकट दे दिया गया था, चाहे इंद्रजीत सरोज के घर में हो, चाहे शिवपाल सिंह यादव के घर में हो, चाहे लालजी वर्मा हो या अन्य भी धर्मेंद्र यादव हो, इनके परिवार के अलावा भी, मतलब ना बड़े नेताओं को लड़ा दिया गया था लोकसभा। बहुत सारे लोग चुनाव जीत कर भी आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो राम अचल राजभर पर हमारी निगाहें टिकी थी। इनका नाम बहुत तेज़ी से इसलिए है क्योंकि अति पिछड़े समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में, जैसे यादव मुस्लिम की पार्टी कही जाती थी, वोट देते थे लोग, बहुत सारे लोग वोट देते थे, लेकिन बीजेपी को जो एकमुश्त वोट चला गया था, जैसे मौर्य समाज का वोट हो, पटेल समाज का वोट हो, मतलब निषाद का हो, इन सब का वोट बीजेपी को चला गया था, तो समाजवादी पार्टी ने इसको अपने पाले में लाने की कोशिश की, टिकटों के माध्यम से मिला भी और तभी समाजवादी पार्टी जीती है। अच्छा एनालिसिस करके टिकट दिया इन्होंने। और पीडीए के नारे को बुलंद करना है तो राम अचल राजभर हमारे हिसाब से क्यों, क्योंकि भैया 5 बार विधायक रहे हैं बीएसपी से, 1996 में, 2002 में, 2007 में, 2012 में हार गए थे, 2017 में, 2022 में, 4 बार बसपा से विधायक रहे हैं, 4 बार बसपा से विधायक रहे हैं, 1 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं और 1 ही सीट पर चुनाव जीते हैं। सबसे बड़ी खासियत है अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। ओम प्रकाश राजभर को इसीलिए लाए थे अखिलेश यादव, हालांकि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के पाले में चले गए हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, उनके बेटे लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है लगभग ये मानी जाती है। अगला नंबर आता है शिवपाल सिंह यादव का। इनका नाम सबसे पहले हमें लेना चाहिए था, मैं बाद में इसलिए ले रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की जो नज़र है गैर यादव वोटों पर ज़्यादा है। गैर यादव वोट का मतलब है जब तक गैर यादव वोट, मैंने बताया नाम, पिछड़ा अति पिछड़ा सपा को नहीं मिलेगा तब तक सपा सरकार नहीं बना सकती। यही भाजपा के पास भाग जाता है तो भाजपा की सरकार बन जाती है, यही सपा के पास आ जाएगा तो सपा की सरकार बन जाती है, यही बसपा के पास चला जाए तो बसपा की सरकार बन जाती है। आप ये मान लीजिए, चाहे मौर्या हो, चाहे पटेल हो, चाहे निषाद हो, कुम्हार हो, लोहार हो, बढ़ई हो, धोबी हो, मतलब पिछड़ा
के बाद अति पिछड़ा, पिछड़ा अति पिछड़ा, जिधर जाता है उसकी सरकार बन जाती है, यही वोट मेन होता है। तो इसलिए अखिलेश यादव हो सकता है इनके ऊपर दाव ना लगाएं। शिवपाल सिंह यादव इनके चाचा हैं, यादव का वोट वैसे भी मिलेगा और इनके चाचा सबसे अनुभवी हैं इस मामले में। सच्चाई तो यही है, चाहे संगठन के मामले में हो, चाहे अनुभव के मामले में हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरा अटैचमेंट रहता है उनका। तो अच्छे वक्ता तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे संगठनकर्ता हैं, सच्चाई यही है। जशवंत नगर से 1996 में चुनाव जीते, ताकत का अंदाजा ऐसे लगा लीजिएगा, 1996 की स्थिति में 10,939 वोटों से चुनाव जीते थे, 2002 में 52,989 वोटों से जीते, 2007 में 30,807 वोटों से, 2012 में 81,000, 2017 में जब सपा की बुरी स्थिति थी 2017 के चुनाव में 52,000 वोटों से, 2022 में 90,000 वोटों से। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। इनका तो नाम आ ही रहा है, लेकिन इनके साथ साथ जो नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है रागिनी सोनकर का। अच्छी वक्ता है, लेकिन अनुभव इस मामले में बहुत बड़ा होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर माता प्रसाद पांडे का नाम आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी को अगर पीडीए के आधार पे ही काम करना है तो हमको लगता है कि राम अचल राजभर या इंद्रजीत सरोज में से किसी एक को ही बनाया जाएगा। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को प्रकट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नमस्कार।